है, तो अभी मैं इसका कंडीशन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं बज रहा है तो उसका जो भी रीजन रहता है एयर, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो ये आवाज कर रहा था, तो इसमें हम लोग पूरा स्क्रू पूरा टाइट किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास जो कैबिनेट है उसे हम लोग रिपेयरिंग करने वाले हैं, और कौन सा कैबिनेट है मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ, तो चलिए अभी चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अभी क्या है, अभी आज जो है पुट्टी वाले भाई लोग नहीं आए हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जो पुराना वाला कैबिनेट है उसको हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से वो रखाया हुआ था, तो उसे अभी आज हम लोग रिपेयरिंग करने वाले हैं। कैसे रिपेयरिंग करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपका कैबिनेट पुराना है तो आप उसे रिपेयरिंग करके चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इस सीज़न हम लोग 4 LF और 8 Forward Bearings चलाने वाले हैं, तो उसके लिए उसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा कैबिनेट कहाँ है। तो ये हमारा LF कैबिनेट है, और ये लगभग हम लोग इसको लिए थे 18 या 19 में लिए थे, तो अभी मैं इसका कंडीशन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसके कवर निकाल के दिखाऊंगा कि कैसा टाइप का इसका कंडीशन है, और अंदर से भी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी इसको लेके चलते हैं हॉल में, हॉल में इसको हम लोग खोलेंगे, इसका कवर खोलेंगे और इसको पूरा आगे रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट कैसे रिपेयरिंग करना है क्या क्या लेना है मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आपका कैबिनेट एकदम न्यू टाइप का बजने लगेगा और उसमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपका कैबिनेट अच्छे से नहीं बज रहा है तो उसका जो भी रीज़न रहता है, एयर पास का रीज़न रहता है, या आपका कैबिनेट बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो कहीं कहीं से आवाज़ आने लगता है, हैंडल से आवाज़ आने लगता है, उसी को आज हम लोग ठीक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं इसको रिपेयरिंग करते हैं। तो अभी इसको बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकाल के यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी चलो काफी गंदा हो गया है, काफी दिन तक रखाया हुआ था, इसको थोड़ा सा साफ कर लो, ये प्रॉब्लम है। तो अभी इसका कवर निकालते हैं हम लोग, इसका चड्डी निकालते हैं, इसकी चड्डी है ये चड्डी। तो अभी हम लोग दोनों के कैबिनेट ला चुके हैं, और अभी इसका हम लोग ग्रिल खोलने वाले हैं, तो ग्रिल को खोल के देखते हैं कि अंदर का हाल कैसा है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा हम लोग
पॉलीथीन मारे थे इनमें, पूरा पॉलीथीन कवर कर दिया था इसको। और जहाँ जहाँ पे आपको गंदा गंदा दिख रहा होगा वहाँ वहाँ से एयर आ रहे हैं, देखो पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो। तो ये पूरा कैबिनेट है, इसमें पूरा फोम लगा हुआ है, तो फोम को हम लोगों को पहले तो निकालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ये देखो इसको भी कलर किए थे हम लोग, तो फोम को निकालना पड़ेगा तभी ये रिपेयरिंग हो पाएगा। अभी तो बहुत मेहनत वाला काम है अभी भाई इसमें, यहाँ पर भी लगेगा, ये देखो यहाँ पर भी हम लोगों को लगेगा अभी रिपेयरिंग करना, और इसके फोम को निकाल के पूरा रिपेयरिंग करना पड़ेगा यार इसको, पूरा फोम निकाल के रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, बनाते हैं इसको अपने हिसाब से फिर। तो अभी इसका पूरा फोम हम लोग निकाल दिए हैं और अभी ही इसको ब्लोअर मारने वाले हैं हम लोग। ये देखो पूरा निकाल दिए हैं और ये देखो अंदर का पूरा, ये देखो बिगड़ गया है, पूरा चिपका हुआ था वो निकल गया, तो उसमें अभी नट वट पूरा लगाना है, पूरा अच्छे साफ करना है इसको। मोरे ऊपर मार कर अरे बाप रे ओहो इतना दूर है भाई साहब। पूरा थमरे दुकान मजा आते ये पूरा चार पांच सात छह साल के धुर रहा है। रुक रे मार निकली नहीं नहीं निकली हाँ हाँ आप नहीं दबी सब यहाँ फेवी को लगा के दबाना जिसमें कुछ नहीं है ना वो देखिए मैं देखिए चल माना दे हल्का से एक सेकंड। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पूरा नट लगा दिए हैं, ये देखो जहाँ जहाँ पे ये पूरा आवाज़ कर रहा था वहाँ पे हम लोग पूरा नट टाइट कर दिए, पूरा ओवरऑल सब जगह नट टाइट कर दिए, इसमें भी नट लगाए हैं, इधर भी नट लगाए हैं, ये देखो ये पूरा नट लगाए हैं, ये पूरा ना इसके जो जॉइंटर थे जो कील थे वो पूरा ये स्क्रू जो कील थे वो पूरा ढीला हो चुके थे, इसलिए ये आवाज़ कर रहा था। तो इसमें हम लोग पूरा स्क्रू पूरा टाइट किए हैं, अब एकदम ठीक ठाक एकदम बन गया है। तो यहाँ पे लिए हम लोग भूसी, ये लकड़ी का जिसे हम लोग भूसा बोलते हैं, ये देखो भूसा है, इसको फेविकोल से अच्छा मिक्स करके इसको लगाना है अभी पूरे कोने कोने में, पूरा इसके
ताकि जितना भी एयर वगैरह है वो सब बंद हो जाए। ठीक है, तो अभी लगाते हैं और ये वाला हम लोग पूरा नट लगा चुके हैं अपना फर्स्ट कैबिनेट में, और सेकंड वाला कैबिनेट हम लोगों का बचा हुआ है, तो इसके पूरे अच्छे से हम लोगों को लगाना था कि एक बूंद बस कहीं भी एयर रुकने के लिए जगह मत बचे। ठीक है, वैसा टाइप का पूरा हम लोगों को लगाना है, और जहाँ जहाँ बज रहा था वहाँ वहाँ पूरा हम लोग नट टाइट कर दिए। तो अभी करते हैं, बहुत टाइम से हम लोग नट टाइट कर रहे थे क्योंकि पूरा इसको मेजरमेंट कर करके पूरा लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। ये देखो पूरा इधर भी नट टाइट हुआ है, पूरा इधर भी नट टाइट हुआ है, ये देखो पूरा, ये देख। ठीक है, तो अभी ये वाला बचा हुआ है और ये वाले में अभी पूरा भूसी वगैरह लगाए हैं, लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, और इसमें भी हम लोगों को कील लगाना पड़ेगा क्योंकि वो भी आवाज़ कर रहा है, वो भी सही से नहीं है, पूरा इसके जॉइंटर जो है खुल गए हैं। ये देखो पूरा जॉइंटर वगैरह पूरा खुल गए हैं, इसको अभी ठीक करना है। बाकी कैबिनेट कुछ नहीं हुआ है, बस यही थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, उस सभी चीज़ को ठीक करना रहता है, बाकी कैबिनेट आपका सालों साल चलता रहेगा। तो ये हम लोगों का मटेरियल जो है रेडी हो गया है, अब इसको लगाना है पूरे कोने में, जितना भी कोना है पूरे में लगाना है इसको अभी। ठीक है, तो चलिए अभी लगाते हैं, लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हम लोग इसमें ये देखो पूरा सभी तरफ हम लोग जो भूसी का है फेविकोल और भूसी मिला के लगा चुके हैं। ये देखो पूरा, अब इसको सूखने देते हैं, और ये वाला भी बचा हुआ है, ये देखो ऐसा टाइप का पूरा हम लोग लगा दिए हैं। ये जैसे सूखेगा तो एकदम टाइट हो जाएगा, फिर इससे एयर लीकेज नहीं होगा। ये देखो, तो अभी चलिए इसको करते हैं कंप्लीट। इसमें भी कुछ कुछ जगह पे मैंने नट लगा दिया है स्क्रू, ये देखो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक ब्लैक टाइप का दिखाई दे रहा होगा, तो अभी उस साइड का बचा हुआ है और काफ़ी टाइम लग रहा है इसको करने में क्योंकि हम लोग एकदम आराम से इसको मेजरमेंट कर करके लगा रहे हैं, कई बार स्क्रू बाहर हो जाता है तो उसको ठीक करना पड़ता है। ये देखो, तो अभी ये वाले को हम लोग करते हैं, और हम लोग मिला है यहाँ पे एक फेविकोल और ये है अपना भूसी उसको। ठीक है, चलो अभी करते हैं फिर। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अभी इसमें हम लोग लगाने वाले हैं कवर क्योंकि इसका पूरा काम हो गया है, और इसका फोम हम लोग बाद में लगाएंगे, ये अभी रखाया हुआ है फोम जैसे जूट, और इसमें काम कर रहा है अभी, पूरा अभी लगा रहे हैं हम लोग। तो अभी इसका कवर लगाते हैं, कौन सा कवर है, तो ये वाला कवर है, ये तो ये कवर है कि दूसरा कवर है, यही कवर है ना, यही कवर तो है। हाँ, तो यही कवर है, इसको डालते हैं अभी। चल बुरु पकड़ कैमरा, चाचा अंधियारा थे, देख पे हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, और जाली हम लोग अभी इसमें फिट नहीं किए हैं, इसको थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद ये जो फोम है उसको भी लगाना है अंदर में। तो अभी कुछ कुछ काम बचा हुआ है,
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी और वीडियो में। सी यू और बाय बाय सबको।